सो अभी हम आ गए किचन में एंड ये दूध वाले भैया हमको दूध देके गए थे एंड ये है वो इडली माल चेक कर लेते हैं so, काफ़ी अच्छी तरीके से इडली फूल रही है एंड हमारे सारे प्रिपरेशंस हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ये है मसाला इडली एंड ये है कोकोनट चटनी एंड ये है छाछ Hey guys, so this is my first vlog and sunny day है sunny morning है and मैंने अभी थोड़ा सा yoga किया half an hour का and मैं अपने आप को show कर रही हूँ देखिए so this is what I'm wearing and ये मेरा छोटा सा garden है and इसमें देखिए देसी white flowers हैं and ये जो लंबा सा पौधा है ना I don't know इसको क्या बोलते हैं but ये बहुत अच्छा लगता है इसकी height भी बहुत अच्छी हो चुकी है हाँ नहीं मैं छोटे छोटे से पौधे हैं सो गाइस आज है महाशिवरात्रि एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल आई डोंट नो मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ तो ये ऐसे आइस क्यों सो ये थे हमारे दूध वाले भैया जो दूध देके गए हैं अभी एंड आज महाशिवरात्रि है तो मैंने सोचा है कि आज के दिन मैं कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूँगी लोगों को हनुमान मंदिर के बाहर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बन रहा है इडली आई थिंक फ्राइड इडली बन रही है इडली को पहले स्टीम करके एंड देन उसको हम फ्राई कर देते हैं उसमें थोड़ा सांभर मसाला एंड दूसरे स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा स्पाइसी करके विद कोकोनट चटनी एंड जो बन रहा है वो बन नहीं रहा है सॉरी हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं छाछ सो अब मैं आपको दिखाती हूँ वैसे यू कैन सी मी लिटरली चंपू बिकॉज आज है सैटरडे एंड मैं वीकेंड में शैम्पू बनना पसंद करती हूँ बिकॉज़ आई नीड टू शैम्पू सो खैर मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने कौन सा ऑयल यूज़ किया है ऑयल मैंने यूज़ किया है ट्राइब कंसेप्ट का ये मुझे पीआर में मिला था एंड ऐसा नहीं होता कि पीआर में मिली हुई हर चीज़ मुझे पसंद आती है बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसमें 7 ऑयल्स हैं कुछ मिक्स करे हुए 7 हर्ब्स हैं 7 to 9 आई थिंक एंड ये ऑयल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें बहुत कुछ मिक्स्ड है एंड अलग सी अच्छी सी आयुर्वेदिक सी फील आती है मुझे वो लगा के सो ये ऑयल मैं यूजुअली लगाती हूँ सो चलिए अब चलते हैं सो अभी हम आ गए किचन में एंड ये दूध वाले भैया हमको दूध दे के गए थे पी एंड ये है वो इडली जो स्टीम हो रही है अभी एंड इसके बाद मैं सो ये है मेरी वाटर केटल एंड एवरी मॉर्निंग मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ पानी पी के थोड़ा वार्म वाटर सो इसको हम ऑन कर देते हैं सो अभी हो चुका है ऑन एंड पानी मेरा हो रहा है गर्म एंड कभी कभार पानी पीने के बाद मैं ये भी ले लेती हूँ कोई ऐसा जूस गिलो या आंवला जूस है कोई भी ऐसा जूस मैं ले लेती हूँ इडली के हाल चेक कर लेते हैं सो काफ़ी अच्छी तरीके से इडली फूल रही है एंड आई थिंक इसको 5 मिनट्स और चाहिए इसको वापस ढक देते हैं एंड ये मेरा ग्लास रेडी है आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया बस मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा नॉर्मल वाटर एंड द शैतान इज हियर ये हमारे छोटे से शैतान जो अभी अभी नींद से उठ के आए हैं एंड इनके रोज़ की हैबिट ऐसे ऐसे करना सो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट काम करती हूँ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है उन लोगों को जो लोग सोते रहते हैं बट तो भी मैं ये करती हूँ सो मैं ये स्पीकर लेके आई हूँ ताकि मैं दूसरों को परेशान कर सकूँ एंड इसमें मैं चला देती हूँ गाने एंड मॉर्निंग में मैं जनरली भजन ही चलाती हूँ ऑलमोस्ट मतलब हाँ भजन ही चलाती हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा यू नो नॉर्मल म्यूज़िक चला देती हूँ मुझे अनप्लग्ड वर्जन्स बहुत पसंद हैं तो वो चला देती हूँ सो ये मेरा मॉर्निंग का पानी पीने के बाद का काम रहता है सो मेरा गर्मा गर्म पानी रेडी है एंड अब कुछ नहीं बस उसको पी लेती हूँ एंड जो इडली है उसको मैंने ऐसे पीसेस में काट के सांभर मसाला डाल के इस तरीके से फ्राई कर लिया है एंड ये मैंने नहा धो भी लिया एंड देन उसके बाद मैंने ये कुर्ती डाली है सिंपल सी कुर्ती एंड हमारे सारे प्रिपरेशंस हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
तो ये है मसाला इडली एंड ये है कोकोनट चटनी एंड ये है छाछ। सो अब हम आ चुके हैं मंदिर जो कि हमारे घर के पास ही था एंड हमने इडली एंड चटनी एंड छाछ सर्व किया जो कि जियान ने सर्व किया वहाँ पर। एंड मतलब सर्व करने के बाद जब लोगों ने खाया तो उनके जो लुक्स थे उनकी स्माइलिंग फेसेस, वाओ मज़ा आ गया देख कर ये सब। एंड अब हो चुका है लंच का टाइम जिसमें मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है, राइस है, रोटी है, पिकल है एंड फाइनली आफ्टर द राइडिंग डे मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। डे टाइम है एंड यू नो मैं सोच रही हूँ कब से मेरे टेबल पे साइड पे एक चीज़ पड़ी हुई है मैं उसको लगा नहीं पाती। जियान रोज़ पूछता है कब लगाओगे मम्मा कब इसे लगाओगे। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ ये है आरिंग मिराबेल का ये मार्श शीट है एंड ये मैंने लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कूलिंग इफेक्ट देता है स्पेशली समर में। सो ये बहुत अच्छा है एंड अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर। शाम का टाइम है 7:30 बज रही है और ये मंदिर यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है नड़ियाद का। सो यहाँ पे शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, साथ में हमने ठंडाई की जो कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट करी है एंड द ठंडाई वॉज ओके ओके। सो अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं एंड थोड़े से दर्शन आपको करा देती हूँ। वैसे तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सो अब ये जो यहाँ की मूर्ति है वो दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी बड़ी मूर्ति है। ऊपर जाके हमें वहाँ पे दर्शन करने को मिलते हैं। लाइन भी थी, काफ़ी लंबी लाइन थी बट इट्स द गुड पार्ट कि जल्दी जल्दी सब यू नो जाते जा रहे थे तो हमारा नंबर जल्दी आ गया। So here I am ending my day first vlog.